नमस्कार, मेरा नाम देशराज है। मैं एक JVT अध्यापक हूँ। मेरी पाठशाला का नाम राजकीय प्राथमिक पाठशाला थली सेवका है। ये हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के प्रारंभिक शिक्षा खंड गरोला के अंतर्गत आती है। ये पाठशाला जिला मुख्यालय चंबा से 55 किलोमीटर व खंड कार्यालय गरोला से 28 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मेरी पाठशाला में वर्तमान में 33 बच्चे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तथा पाठशाला के कैचमेंट एरिया का कोई भी बच्चा प्राइवेट स्कूल में शिक्षा ग्रहण नहीं कर रहा है। COVID-19 के कारण मार्च माह से ही देश भर के सभी शिक्षण संस्थान बंद हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बच्चों की शिक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है। देश भर के विभिन्न शिक्षक विभिन्न माध्यमों द्वारा बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, चाहे वह ऑनलाइन शिक्षा हो या ऑफलाइन शिक्षा हो। सभी शिक्षक बेहतर तरीके से शिक्षा को प्रदान करने का कार्य कर रहे हैं, जो कि प्रशंसनीय है। क्योंकि हमारी पाठशाला एक ट्राइबल क्षेत्र में स्थित है और यहाँ पर ज़्यादातर अभिभावकों के पास मूलभूत साधनों का अभाव रहता है, इसलिए हमने भी COVID-19 के दौरान कुछ नए तरीके अपनाकर बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया। हमने ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों माध्यमों से शिक्षा प्रदान करने का कार्य किया, और ये जो कार्य हमारा वो वर्तमान में भी जारी है। क्योंकि ज़्यादातर अभिभावक एंड्रॉयड स्मार्टफोन चलाना नहीं जानते, उन्हें ना ही फाइल्स और वीडियोस डाउनलोड करनी आती हैं, और आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण उनके पास इंटरनेट डाटा भी उपलब्ध नहीं होता है, जिस कारण भी अपने स्मार्टफोन्स का बच्चों के शैक्षणिक कार्यों में उपयोग नहीं कर पाते हैं। हमने 3 वर्ष पहले अध्यापक अभिभावक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, जिसका इस कोविड के काल में हमें बहुत ज़्यादा उस व्हाट्सएप ग्रुप का फ़ायदा हुआ है, जिसमें अभी तक 90% जो अभिभावक हैं वो इस व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ चुके हैं। हमने कक्षावार हर कक्षा के हर किताब के हर चैप्टर को डाउनलोड किया, उसकी वीडियोस डाउनलोड की, उसकी PDF डाउनलोड की, और उसके जो हमने वर्कशीट्स बनाई, और वो जो डाउनलोड की हुई वीडियोस थी, वर्कशीट्स थी, या हमने जो खुद वीडियोस या वर्कशीट्स बनाई थी, वो सभी अभिभावकों के मेमोरी कार्ड में ट्रांसफ़र की, ताकि वे उन वीडियोस और उन कार्य पत्रकों को उस समय भी यूज कर सकें जब उनके पास पर्याप्त डाटा ना हो, पर्याप्त इंटरनेट की सुविधा ना हो, तो भी वो उस समय में भी उन वीडियोस का बच्चों के शिक्षण कार्य में प्रयोग कर सकें। हमने अभिभावकों के पेन ड्राइव्स में ये सारा लर्निंग मटेरियल डाल दिया, ताकि वे अपने LCD LED TVs में उस पेन ड्राइव को लगाकर बच्चों के शिक्षण कार्य में प्रयोग कर सकें, और उनके पास वो स्थाई एक लर्निंग एड रहे, ताकि जब भी जरूरी हो वो उसको रिकैप्चुलेट कर सकें, और बच्चे मनोरंजन के साथ, एनिमेटेड पिक्चर्स के साथ, वीडियोस के साथ उस लेसन को तैयार कर सकें। हमने घर घर जाकर अभिभावकों को एंड्रॉयड फ़ोन चलाना तथा उससे किस प्रकार लर्निंग मटेरियल उसमें उससे गेन करना है वो सिखाया, एंड्रॉयड फ़ोन चलाना सिखाया। हमने उन्हें ये भी सिखाया कि जो ZIIEI इनोवेटिव पाठशाला ऐप है, NCERT पाठशाला है, या दीक्षा पोर्टल है, दीक्षा ऐप है, उसको किस तरह चलाना है। हमने ये सारे ऐप उनके मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल किए और उनको इन ऐप्स को रन करना भी सिखाया। हमने ZIIEI ऐप को लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर पर किस प्रकार चलाना है, किस प्रकार रन करना है, और किस तरह उससे लर्निंग वीडियोस, उससे लेसन्स या उसके
क्वेश्चन पेपर्स, उसको किस तरह हमने उसको देखना है, डाउनलोड करना है, और किस तरह हम उसका यूज़ कर सकते हैं वो भी सिखाया, ताकि वो बच्चों के काम। हमने स्वयं बनाया हुआ TLM, जो भी हमने TLM बनाया हुआ था वो बच्चों में बांट दिए, ताकि वो बच्चे घर पर उसका खेल खेल में प्रयोग कर सकें और कुछ सीख सकें। और इस दौरान हमने स्वयं घर पर भी बहुत सारा मटेरियल, लर्निंग मटेरियल TLM हमने तैयार किया, जैसे पुरानी फ्लेक्स पर वर्ड बॉल, या बच्चों की वोकेबलरी बढ़ाने के लिए न्यू वर्ड्स वर्ड बॉल, और जैसे 12 घड़ी चार्ट हो गए। इस तरह का बहुत ज़्यादा मटेरियल तैयार किया और वो भी बच्चों तक पहुंचाया, ताकि छोटे बच्चे जो पहली व दूसरी कक्षा के बच्चे हैं उनके लिए वो काम आ सकें, और वो नए नए शब्द और विभिन्न मात्राओं के शब्द बनाना वो सीख। हमने पाठशाला के खिलौना बैंक का सारा सामान, सारे खिलौने, जिससे बच्चे विभिन्न तरह की गतिविधियों द्वारा शिक्षा ग्रहण करते हैं और सीखते हैं, वो सारा सामान बच्चों को घर पर मुहैया करवा दिया, सभी बच्चों में आपस में वो बांट दिया है, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से, जिस बच्चे की जिस कार्य में रुचि थी या जिस खिलौने को वो लेना चाहता था, वो सभी खिलौने हमने बच्चों को बांट दिए। हमारे इस कार्य में बच्चों के अभिभावकों ने, बच्चों ने व पाठशाला प्रबंधन समिति ने पूरा सहयोग किया, और हमारे इन कार्यों का बच्चों को भरपूर फायदा मिला है, और हमें भी इसके आशाजनक परिणाम सामने हमारे आए हैं, और हमारे बच्चे पढ़ाई से निरंतर जुड़े रहे। COVID-19 के दौरान हमने जो शिक्षण कार्य किया, जिस तरह का लर्निंग मटेरियल ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो बच्चों तक पहुंचाया, उनको अवेलेबल करवाया, और परमानेंट मटेरियल अवेलेबल करवाया, ताकि बच्चे निरंतर पढ़ाई से जुड़ सकें। हमारे इस कार्य को हमारी कम्युनिटी ने, शिक्षा विभाग ने काफ़ी सराहा, और हम ZIIEI अरविंदो सोसाइटी के भी आभारी हैं कि उन्होंने इतना अच्छा ऐप ZIIE इनोवेटिव पाठशाला लॉन्च किया है, और जिसको हम 2-3 साल से उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिससे हमें खुद सीखने में सहायता मिल रही है और बच्चों को सिखाने में भी ZIIEI ऐप। मैं HDFC बैंक और अरविंदो सोसाइटी दोनों का आभार व्यक्त करता हूँ कि HDFC बैंक अरविंदो सोसाइटी को सहयोग कर रहा है, जिस कारण अरविंदो सोसाइटी पूरे भारतवर्ष के शिक्षकों व छात्रों को सीखने सिखाने के लिए प्रयासरत है।